हमारे साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, पीएफ से संबंधित एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। अब आपका जो पीएफ का पैसा है वो अटकेगा नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सरकार पीएफ से संबंधित एक कानून लेके आ रही है। उस कानून के तहत पीएफ से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनको जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से संक्षेप में बताऊंगा कि जो सरकार जो कानून लेके आ रही है वो क्या है, और वो जो पीएफ के जो मामले हैं वो कितने दिन में सुलझा लिए जाएंगे, जिससे आपका जो पीएफ का पैसा अटक जाता है वो अटकेगा नहीं। तो पीएफ से संबंधित जितने भी मामले रहेंगे वो कितने दिन में सुलझाएंगे, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताता हूं पीएफ से संबंधित क्या नया लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, पीएफ से संबंधित अपडेट ये है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों का पीएफ का पैसा अटक गया है। ऐसे ही मामलों को जल्दी निपटाने के लिए केंद्र सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे कर्मचारियों को कंपनी के साथ भविष्य निधि यानी कि पीएफ विवाद का जल्द निपटारा हो सकेगा। कानून के तहत पीएफ विवादों को तय समय सीमा 2 साल में निपटाने का प्रावधान होगा। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। श्रम मंत्रालय ने इस मामले में प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर अगली बैठक में हितधारकों की सहमति के बाद कानून बनाया जाएगा। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को बढ़ाने के मकसद से सरकार बदलाव करने जा रही है। इसमें आयकर विभाग की तर्ज पर पीएफ मामलों की तत्काल जाँच के बाद 2 साल में मामले का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा अपडेट ये है कि अभी तक ऐसे विवादों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इसके चलते पीएफ विवाद कई वर्ष तक चलते रहते थे। कॉरपोरेट प्रतिनिधियों ने इनके जल्द निपटारे की सिफारिश की थी। प्रस्ताव है कि 5 साल से ज्यादा पुराने विवादों को नहीं खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित आपको न्यूज पढ़नी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर जाके आप पूरी न्यूज को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय अपनी फीडबैक जरूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ आपके साथ एक और लेटेस्ट टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।